पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके 13 पॉइंट्स के हम साइड्स पे ये ले लेंगे। इफेक्ट पे जाएंगे, स्टेलाइज पे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, ज़िगज़ैग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसको रखेंगे स्मूथ पे, और यहाँ से इसके जो प्रीव्यू ऑन कर देंगे। तो अब ये जो इसके बढ़े हुए नोट्स हैं इनको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको भी कम करेंगे, एक पर ले आएंगे, और फिर यहाँ से रिलेटिव पर रख कर यहाँ से बढ़ाएंगे। ये इस तरह का शेप आराम से निकल आएगा। मेरा ख्याल है ये सही है, या और करूँ उसको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके करेंगे। ये देखिए इस तरह का शेप इजीली निकल आएगा। फिर इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड अपीरियंस कर देना है, ओके कर देना है। ये शेप आपका क्रिएट हो गया यहाँ पे। लेकिन एक मिनट ऐसे नहीं करना, अंडू कर रहा हूँ दो दफ़ा। पहले शेप को जो है, क्योंकि हमें इसमें कलर देना है, लेकिन इसमें हमें वो नहीं चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करें। अब ये शेप हमारा बन गया वीआईपी के साथ। अब इसमें लगाना है गोल्डन कलर का शेड। तो ये गोल्डन कलर का शेड कैसे लगाएंगे, जैसे कि ये वाला जो गोल्डन शेड है इसके अंदर आ रहा है, डिफरेंट तरीके से इस पर अप्लाई हो रहा है। हाँ, अब इसको लगाने के लिए देखो ग्रेडियंट तो यूज़ करेंगे, पर ये शेड बनाना भी पड़ेगा, या बना बनाया ले लें। तो विंडोज़ में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे, ग्राफिक्स लाइब्रेरी आ रहा है, स्विचेस आ रहा है, ग्रेडियंट ले लिया हमने यहाँ से। ग्रेडियंट को थोड़ा सेट करके लगा ले यहाँ पे पहले। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं गोल्डन कलर का कोई ग्रेडियंट है हमारे पास। ये है काफी सारे से, ये देखें ये वाला लगा लेते, सही। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है इसके अंदर, अब देखते हैं। जी मिला सकते हैं, जैसे कौन से ग्रेडियंट को मिलाना है। मैं बीच में देखो, ये ग्रेडियंट का ट्रेप है ना हमारे पास, इसमें जितने ग्रेडियंट आपको ऐड करने ऐड कर लें। इसको लीनियर फॉर्म में लगाना है, रेडियल फॉर्म में लगाना है, यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये वाला नीचे वाले जो इसके, ये किस तरह से क्रिएट करने हैं। अच्छा, ये वाला जो सिंबल है, वैसे इसको इजीली एक तरीका तो क्रिएट करने का हमारे पास है, कि वो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे सीधा बनाएं, और बनाने के बाद एड एंकर पॉइंट टू लेके यहाँ पे एक एंकर लगाएं इसको। और उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि अभी थोड़ा सा, जैसे ये थोड़ा इस साइड पर फ्लिप करें, उस साइड पर फ्लिप करें, तो इसके लिए हम इफेक्ट्स में जाके हमारे पास वार्प में इफेक्ट होते हैं, जैसे आर्क इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इस पर वर्टिकल अप्लाई करें, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ही ये बना हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करें इसको। सही है इतना, और करना है तो ये और बढ़ा दें उस तरीके से कर लें। तो ओके कर दें। अब इस तरह करने के बाद थोड़ा सा अगर इसको रोटेट भी करना पड़ रहा है, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ वगैरह छोटा करना है, तो यहाँ से क्लिक करके साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा रोटेट करना है, तो यहाँ से रोटेट कर लें। ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दें, और एक्सपेंड कर दें दोबारा से। यहाँ पर कर दिया हमने इसको, ठीक है। और फिर इसको सेट करें यहाँ पे। अब जैसे कहाँ सेट करना है इसको, तो इसके लिए तरीका ये है कि दोनों को सेलेक्ट कर लें, इसको बेस बनाएं, इसका सेंटर में ले लें इसको। अब सेंटर में लेने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल आर करें पहले, रूलर का गाइडलाइन लें यहाँ से सेंटर में बिल्कुल इसके, और इस गाइड के मुताबिक इसको काफ़ी
काफी बाहर है इससे, ये तो और ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है हाँ, क्या और नीचे? ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करके रिफ्लेक्शन लेंगे और अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करके इसको प्रीव्यू ऑन कर लें। इसको फ्रंट पे ले लेंगे ना, सही। उसके बाद गाइड्स को यहाँ से चाहें तो आप खत्म कर दें अगर आपका काम खत्म हो गया। ये देखें, इसके बाद जो है यहाँ पर इसके अंदर आप देखें तो ये एक सर्किल है, फिर उस सर्किल के अंदर एक और सर्किल है, फिर उसके अंदर एक और सर्किल है। डिफरेंट सर्किल्स जो इसके अंदर बनाए गए हैं, ये किस तरीके से बनाए गए हैं इनको ज़रा आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे, अब ये सर्किल के अंदर सर्किल कैसे दिखाया जाता है जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक सर्किल हमने जैसे यहाँ पर लिया और इसके सेंटर पॉइंट पर रखा हमने अपना एरो, ऑल्टर शिफ्ट के साथ हमने दबाया ये एक सर्किल इस तरह से, जो मेन सर्किल है वो हमने बनाया। अब इस सर्किल में डार्क एरियाज जो हैं वो साइड में है और लाइट इधर है, ठीक है। तो अब ये अगर इस पर इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो ट्रिक यूज़ करनी है वो ट्रिक ये है कि चारों तरफ से ऐसे उभरा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, शेडो लगाएं या फिर इस तरह से देखें एक डार्क इस पे लगाइए और उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी कीजिए और फिर अंदर यही वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से थोड़ा सा उभार पैदा होगा। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ये वाला लगा देते हैं, इससे हल्का वाला लगा देते हैं, तो ये इस तरह के मामला इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं डार्क और लाइट के, सही है। अच्छा, अब ये जो सर्किल इसके ऊपर अप्लाई हुआ है ग्रेडियंट, ये लीनियर है, अगर इसको आप रेडियल कर देंगे तो ये इस तरह से रहेगा डार्क और बीच में रहेगा इसके लाइट, और अगर इसके दोनों साइड पे डार्क रखना है तो लाइट को इधर रखेंगे डार्क को इधर रखेंगे, इस तरह का कलर इफेक्ट इस पे क्रिएट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बी बोला, उसके बाद जो है इसके हाँ, अब इसके जो साइड्स है उस पे बारीक बारीक सी लाइंस हैं। अब ये लाइन कैसे क्रिएट होंगी, अच्छा अब इसकी लाइन क्रिएट करने के लिए फिर उसके अंदर एक सर्कल है और फिर इस तरह के मामला चलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइंस क्रिएट होने का मामला है उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले सर्किल को थोड़ा सा उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे रख लेते हैं और लाइन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इतनी बड़ी, और वो लाइन ड्रॉ करके सेलेक्ट करके फुल स्टॉप देते हैं इसके ऊपर। लाइन की थिकनेस को सही ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड करके ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रोक से ये शेप बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये वाला ग्रेडियंट है या इस तरह का ग्रेडियंट है कि इस पर अप्लाई कर देते हैं जो इसके मिलता जुलता हो, जो इसके साथ कनेक्ट रहेगा। फिर इस लाइन को हम सेंटर पर ले आते हैं, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा उससे कनेक्ट रहे, यानी कि टच भी रहेगी और यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये लाइन आ गई तो अब हमें क्या करना है, इसके सराउंडिंग्स पे पूरे पे ये लाइन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हमने क्लिक किया रोटेशन टूल पर और इसका सेंटर पॉइंट लिया यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट, और हमने कहा कि 360 में हमें कितनी लाइंस चाहिए। सपोज हमने कहा कि 50 लाइंस चाहिए, कॉपी लेते तो भी काफ़ी डिस्टेंस था, ठीक है। तो ऑल्टर के साथ हमने यहाँ से क्लिक किया, 360 में हमें 100 लाइंस चाहिए, अभी भी काफ़ी डिस्टेंस रहा। 360 में हमें 150 लाइंस चाहिए, तो ये सही था। कंट्रोल डी दबाया, अगर ये पूरा सही तरह नहीं बना इसका मतलब यानी कि हमारे सर्किल में कोई फॉल्ट है, मतलब वो सर्किल हमारा सही तरह बना नहीं है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ।
ठीक है ना, तो अगर वो सर्किल का सेंटर पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है सर्किल का, तो ये मसला आपको आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि सर्किल आपका प्रॉपर सर्किल होना चाहिए। तो सर्किल का प्रॉपर होना ये कि हाइट और विड्थ इसकी सेट है सर्किल की हमारी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमारा जो क्लिक रेशो था वो सही नहीं आया, इसको यहाँ रखते हैं। और इस सर्किल का सेंटर पॉइंट देखें यहाँ पर है, इस पॉइंट पे हमें क्लिक करके इसको लेना था, तो यहाँ से क्लिक करके इसको बना तो लिया हमने। ठीक है, और रोटेशन पॉइंट लेके सर्किल का सेंटर पॉइंट आ गया ऑल्टर शिफ्ट के साथ। 360 में हमने डिवाइड किया 150 लाइंस के ऊपर, कॉपी किया, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से आपका बनकर आ गया, अब सही बन गया ना बिल्कुल। तो वो अगर सही नहीं था तो वो इसलिए इसको दिखा भी नहीं रहा था, इस तरह से गया। अब इसके बराबर में फिर से थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट है और बीच में दो सर्कल्स और हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसी सर्कल को यूज़ करेंगे। ऑलरेडी ये हिस्सा तो है लेकिन ये कितना बड़ा रखना है, थोड़ा छोटा रखना है, तो इस बीच वाले सर्कल को क्लिक करके इस सर्कल के साथ क्लिक करेंगे, इसको बेस बनाएंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, प्लस में उस सर्किल को थोड़ा आगे भी लेकर आएंगे। तो इसी सर्किल को हम सेलेक्ट करते हुए जो भी हमारा सेलेक्ट है राइट बटन दबा के ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, तो आगे आ गया। ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबा के हम इसको कम करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे भेजेंगे इसके पीछे वाले सर्किल को। तो पीछे भेजने की शॉर्ट की देखें क्या है, राइट बटन दबा के अरेंजेस में जाके ये है बैकवर्ड की शॉर्ट की कंट्रोल के साथ इस तरह का ब्रैकेट, तो मैं इसको दबाता हूँ। कंट्रोल स्टार्ट ब्रैकेट ये वाली शॉर्ट की, कंट्रोल, तो ये इसके पीछे चला गया। अब फिर से थोड़ी सी वो एक ब्रिक सी बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इसको यही वाला कलर दे देते हैं, सॉरी आगे वाले सर्किल को यही कलर दे देते हैं, ये थोड़ा और डार्क कर दें और कंट्रोल सी करके, अच्छा इसमें भी ख्याल करना है कि इसको रेडियल पे रखते हैं इस तरह से, और कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्टल प्लेस करके हल्का सा एज देंगे इस तरह का, और इसको फिर से यही वाला गोल्डन कलर दे दें, तो ये इस तरह से नजर आएगा। सही है, समझ में आ रही है बात ये, तो इस तरह से ये बनेगा। अच्छा उसके बाद अब आपने ये दे दिया, उसके बाद थोड़ा डार्क कलर का बड़ा सर्किल है, उसके बाद अंदर की तरफ जो है एक और सर्किल है जो इस तरह का बनेगा, तो इसके बाद क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी और ये आ गया फिर थोड़ा सा और स्पेस, और इस पे जो है वो इसका थोड़ा सा डार्क कलर है, यहाँ पे क्लिक करके इसका थोड़ा बहुत डार्क कलर वाला ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उस पे भी अगर हमें लीनियर की जगह पे रेडियल लगाना है तो ये इस तरह का बनेगा, लीनियर लगाना है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये शेड्स इस पे आ जाएंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर अंदर आ जाएंगे, फिर अंदर आने के बाद फिर एक ऐसा सर्किल बना हुआ है जो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, और वो उसी कलर का है, यानी कि इसके ऊपर जो बनेगा कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्टल प्लस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अंदर वाला सर्किल जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे दो हिस्सों में, तो जैसे बारीक बारीक सा ऐसा बना हुआ है, इस चीज को करने के लिए अब आपको ये करना है कि इस सर्किल का जो स्ट्रोक है वो एक्टिवेट करेंगे हम, जैसे कि स्ट्रोक सिस्टम लगाएंगे इसके ऊपर और इसको यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे फिल को नो फिल कर देंगे। अब ये करने के बाद इसको अब हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि देखेंगे आपके दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया जा सकता है इसको। तो दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस सेम पोजीशन पर दो
दो ऑप्शंस किए जा सकते हैं, यानी कि ये जो टूल है इसको लेके क्लिक करेंगे, यहाँ से एक टूल लेंगे जिसका नाम है नाइफ टूल, आई थिंक नाइफ या सीजर दोनों में से काम करेगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ इस एंकर पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस एंकर पे, आई थिंक ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, नहीं हुआ डिवाइड, ठीक है ना। तो इससे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दूसरे टूल से होगा। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं सीजर टूल से, और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, और यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये आपने देखा कि ये हिस्सा अलग हो गया और ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया। अब जो डिस्टेंस जो इनका मैनेजमेंट है वो किस तरह से करना है कि वो उस पर इस तरह से नज़र आए कि ये थोड़ा गैप है इसके अंदर। हाँ, छोटा नहीं करेंगे, इसी इस पोजीशन पे रखेंगे। समझ रहा हूँ मैं इसको कैसे करना है। एक ट्रिक हम अप्लाई करके देखते हैं, मैं इन दोनों की एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, पहले शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि नीचे वाले हिस्से को मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके कितना छोटा करना है उसको थोड़ा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ऐड एंकर पर, और यहाँ पर जाके इतने डिस्टेंस के ऊपर एक एंकर लगा देता हूँ। कितना छोटा करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है, और फिर एक एंकर जो है इसी के ऊपर। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर आप बिल्कुल इक्वल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से गाइड ले ले, एंकर कहाँ लगाया मैंने, एक मिनट, यहाँ लगा हुआ एंकर, गाइड ले ले, और दूसरा एंकर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके अब आप इसको क्लिक करें, डिलीट कर दें नीचे वाले एंकर को, और इसको यहाँ पे डिलीट कर दें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें यह भी है कि ये जो एंकर से ये थोड़े से उभार अभी आ रहे हैं, उभार को भी सेट करते हैं। तो उसके बाद इसको क्लिक करके इसका जो प्रोफाइल है जिसमें दोनों साइड पे या तो बारीक हो जाए इस तरह से, या दोनों साइड पे गोल हो जाए, तो दोनों साइड पे गोल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये वाला है। ओ बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, इसको तो रहने ही नहीं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर। अभी क्या ऑप्शन है हमारे पास, एक विंडोज में जाके स्ट्रोक खोलते हैं हम, यहाँ पे जाके जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके शो ऑप्शन आएगा। देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं इनको गोल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये गोल करने के लिए, ये वाला गोल कर दिया तो ये साइड भी इसकी गोल हो गई, देख रहे, ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसको कंट्रोल कर दिया। अच्छा, उसके बाद इस पर क्लिक करके और इसको ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड जाके एक्सपेंड कर दिया, और इसके ऊपर भी ग्रेडियंट लगा रहे हैं, तो ये वाला ग्रेडियंट इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगाया, और इसको भी रेडियल फॉर्म में कर दिया, तो ये इस तरह से शो हो रहा है। और डार्क करना है तो ये वाला ग्रेडियंट भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको क्लिक करके और यहाँ से लिया हमने इसका रिफ्लेक्शन, और इसका जो सेंटर पॉइंट है बीच वाले सर्कल का, यहाँ पे कहीं है, अल्टर के साथ क्लिक करेंगे और या हॉरिजॉन्टल, सही है, तो उतने ही डिस्टेंस पर ये बिल्कुल वैसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब रह गए बीच में स्टार्स वगैरह जो लगाने हैं, वो तो अब इजीली बना के आप तीन स्टार इसके बीच में लगा के इसको कंप्लीट कर ले, तो ये देखेंगे आपका पूरा का पूरा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशंस में अभी थोड़ी सी कमी है, देखेंगे गोल्डन कलर ओरिजिनल कैसे बनाते हैं, इसको भी आपको बताएंगे कि ओरिजिनल गोल्डन कलर कैसे बनता है, उसके बाद ये पूरा बिल्कुल गोल्डन कलर का कैसे बनेगा। इस तरह का आप बाकायदा लेके पूरा बना के और उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप इस पर बड़ा खूबसूरत सा लगेगा, ये मैं इस पर रखूँगा, ये देखिए, और अपना नाम वगैरह इसके अंदर डालेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आएगा। तो अभी यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है।